नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से ग्रसित एक पेशेंट इरशाद बी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 6 साल से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के लिए सदा दुआएं निकलती हैं और दुआएं ही रहेंगी हमारे लिए कि बहुत मेहनत करते हैं अभी भी हमारे लिए, और सभी के लिए उनका नेचर है, सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सभी बहुत जुड़े हुए हैं और सभी लोग बहुत दुआएँ देते हैं उनको। जहाँ तक के पेशेंटों को मैंने देखा है तो वो सर के लिए, बहुत सारे पेशेंटों से मैं मिली भी हूँ सर के, वो बहुत मानते हैं सर को, वो उनसे जुड़े रहना ही चाहते हैं। वो यानी ठीक हो गए लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी जरिए से उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मेरी मिसेज इरशाद भी है। उनको आज से 13-14 साल पहले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। उस समय हमारा इलाज डॉक्टर सीडी कुलकर्णी से चल रहा था। डॉक्टर सीडी कुलकर्णी से इलाज कराते समय काफ़ी समय यानी कि 6-8 महीने बीतने के बाद भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मेरे मित्र हैं डॉक्टर शकील अली, उनसे मैंने ये बात शेयर करी तो उन्होंने मेरे को कुछ जांचें लिख के दी जो मेरे लिए उस टाइम बिल्कुल नई थी। तो उन्होंने मेरे से जांचें करवाई तो उसमें उनको मालूम पड़ा कि इनको किडनी की शिकायत थी। उस टाइम क्रिएटिनिन 2.8 करीब आया था। तो उन्होंने बताया कि आपकी मिसेस को किडनी की शिकायत हो गई, आपको किसी किडनी वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उस टाइम से हम एलियोपैथी इलाज में किडनी वाले डॉक्टर से संपर्क में हैं। स्टार्टिंग में चौकसी मैडम, उसके बाद सालगिया सर, उसके बाद नरेश पाहवा जी, अहमदाबाद, नड़ियाद, हैदराबाद, बेंगलोर और यहाँ तक कि गल्फ़ एब्रॉड में भी गया था इलाज कराने। वहाँ भी 15 दिन देके आया, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा कम से कम 33 लाख रुपये से ऊपर खर्चा हो चुका। ऐसे और भी दूसरे डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, संदीप सक्सेना साहब का भी इलाज चला, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। करीब 6 साल परेश के बिना पे डायलिसिस से बचते रहे हम, बचाते रहे। उसके बाद सन 2015 में हमारा पहला डायलिसिस हुआ। उसके करीब साल भर बाद हमारे को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब को पता दिया, हमारे मित्र हैं हाजी मुमताज़ साहब ने, उनकी मिसेस का भी वहीं इलाज चल होता था। तो जब से हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के संपर्क में आए, जब से हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है। ये है कि डायलिसिस बंद नहीं हुआ, लेकिन अदर पेशेंटों से, जितने भी हम हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट देखते हैं, हमारे बहुत बाद के पेशेंट हैं, उसके बाद हमारी मिसेज की हालत बहुत अच्छी है। जर्नली घर का पूरा काम करती हैं, सुबह उठती हैं और आज आपके सामने बैठी हुई हैं, लेकिन चेहरे के और बॉडी रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि ये डायलिसिस पेशेंट है। आज भी इलाज चल रहा है और सर ने अभी जांच लिखी थी तो उसमें अभी क्रिएटिनिन पहले 17-18 देता था, अभी आज ही रिपोर्ट लेके आया हूँ मैं तो उसमें क्रिएटिनिन कम हुआ है। क्रिएटिनिन पहले 16-17 देता था, लेकिन अभी आज ही रिपोर्ट लेके आया मैं तो आज की रिपोर्ट के अंदर 12 क्रिएटिनिन आया। उसके बाद भी डॉक्टर साहब भी नए नए प्रयोग, नए नए दवाएँ देते रहे, करते रहे, पूरी शिद्दत से उनकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको, पेशेंट को डायलिसिस से बाहर लाना है मेरे को, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें मालिक की मर्जी है कब आएगी क्या होगा, लेकिन हमारे को ये है कि डायलिसिस के अलावा अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल भी आज भी सुबह 6:30-7 बजे मिसेज उठती है, घर का पूरा काम जर्नल, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, ये पूरा काम करती हैं। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है, लेकिन दूसरे पेशेंट के साथ हम देखते हैं हॉस्पिटलों में कि ये उनके साथ कुछ भी नहीं है, वो बेचारे बिल्कुल बेड पे ही रहते, आराम करते हैं, काम करने लायक नहीं बचे। जिनको साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, 2-2 साल हुए, उनकी इतनी बॉडी वीक हो चुकी है, लेकिन ये मालिक का करम और डॉक्टर साहब की मेहरबानी, दुआ, मेहनत है, दवाओं का असर है, कुछ भी है, कि ये डायलिसिस के अलावा अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के साथ सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है कि ये कोई परहेज भी नहीं बताते हैं और ना एलियोपैथिक दवा बंद करने का कहते हैं ये आपसे, कि जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बट डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरी दवाएँ टाइम पर लेते रहो, और डॉक्टर साहब की दवाएँ कंटिन्यू टाइम पर ले रहे हैं तो उससे हमारे को बॉडी रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है, क्रिएटिनिन भी कम हुआ उससे हमारा। इस मेडिसिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं,
कोई रोक टोक नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बॉडी इम्प्रूव हो रही है, कहीं ना कहीं बॉडी इम्प्रूव होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी मिल ही रही है हमारे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलियोपैथिक की और होम्योपैथिक की दवाओं में कीमत में समझ लो कि बहुत अंतर है, अंतर नहीं बहुत ज़्यादा अंतर है। डॉक्टर साहब की दवाएँ बहुत सस्ती पड़ती हैं और कारगर है, रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट मिल रहा है हमारा। एलियोपैथिक के अंदर तो क्या है कि सिर्फ एक चल रहा है, वो भी बंद नहीं करी हमने, लेकिन एलियोपैथिक के मुकाबले में होम्योपैथिक हमारे को बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत रिजनेबल है, ज़्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर साहब का व्यवहार तो ऐसा है कि बेचारे कभी भी 24 घंटे एनी टाइम कभी भी फ़ोन पे संपर्क करो, जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन बताते हैं, दवाई उनको देना हो तो कहते हैं आप आ जाइए उनके चेंबर में, वहाँ से दवाई दे देते हैं, एक्स्ट्रा दवाई दे देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। वो बहुत ही सरल और स्वभाव वाले डॉक्टर हैं वो, और उनके लिए हमेशा मैं जब भी दुआ करता हूँ उनके लिए भी दुआ निकलती है मेरे मन से, क्योंकि मेरे को बहुत और मेरी मिसेज को बहुत ज़्यादा रिलीफ है अदर पेशेंटों से, जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं ना तो उनके लिए दुआ ही निकलती है हमारे लिए। नहीं, लोगों को यही कहना चाहेंगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के उधर कन्वर्ट करा, कन्वर्ट से मुराद ये है कि उनको भी रिलीफ मिला। एक मेरे दोस्त हैं नगर निगम में, सैयद इसार अली साहब, उनके वालिद साहब 75 ईयर्स से अबव होंगे, उनको भी डॉक्टर ने एलियोपैथिक इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उन्होंने कह दिया था कि कुछ टाइम बाद इनको डायलिसिस कराना पड़ेगा। लेकिन अभी की पोजीशन में ये है कि उनका क्रिएटिनिन कम हो गया, सूजनें कम हो गई, हाथ पैरों में सूजनें आना बंद हो गई, और वो डायलिसिस से बचे हुए हैं अभी भी, और उनको भी होम्योपैथिक दवाओं से रिस्पॉन्स मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है डॉक्टर साहब के अर्पित चोपड़ा की दवाओं। लोगों को भी मेरा तो यही मानना है कि इसका भी मालूम पड़ता हूँ, मैं आगे रह के उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब की मेडिसिन चालू करो, मॉडर्न होम्योपैथी जो उन्होंने चालू करी है, मॉडर्न होम्योपैथी की दवाएँ लो, चालू करो। और बहुत मेरे 4-5 मित्र गए भी हैं, और एक का दो तो आजकल में एक जाने वाले हैं, मेरे एक मित्र के मित्र हैं, उनके सर को फादर इल्ला को डायलिसिस हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, मंडे या ट्यूसडे में जाऊंगा डॉक्टर साहब से मिलने दवाई लेने। और मेरा तो लोगों से ये कहना है कि डायलिसिस के अलावा भी अदर प्रॉब्लम में भी डॉक्टर साहब के रिजल्ट अच्छे आए, देखा है मैंने, सुना है, और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, एक को मैं देवास वाले अनवर पटेल को, वो डायलिसिस से बाहर रहा है, और एक और हम जिन्होंने पता बताया था मेरे को, हाजी मुमताज़ साहब, उनकी मिसेज का भी डायलिसिस बंद हो गया था, जिन्होंने बताया था। खैर वो आज दुनिया में नहीं रही है, वो मालिक की मर्जी है, हार्ट अटैक की वजह से वो चली गई, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया था उनकी मिसेज का भी डायलिसिस बंद हुआ। ऐसे 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ प्रॉपर ही। जैसे तो ये सारी बात हो गई है, लेकिन एक बताना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना मैं भूल गया था जो बता रहा हूँ मैं, कि कोरोना जब आया था, कोरोना के फर्स्ट महीने के अंदर ही मेरी मिसेज कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी पहले हमारे को सबको कोरोना के बचाव के लिए उनकी तरफ से दवाएं दी थी फ्री में, कि पूरे घर को ये 3-3 या 5-5 गोली थी खिला देना। ये कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनको अरविंदो में करीब 24 दिन एडमिट रखा, और उस 24 दिनों में बराबर 5 से 6 दिन में 1 से 1.5 घंटे का डायलिसिस होता था, लेकिन फिर भी मॉडर्न होम्योपैथी अर्पित चोपड़ा साहब की मेडिसिन चलती रही, उसकी वजह से ये कोरोना नेगेटिव हुई और आज आपके सामने स्वस्थ और तंदुरुस्त बैठी हुई। तो इस मामले में भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब का और मॉडर्न होम्योपैथी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे जो उनको कोरोना से बाहर निकाला। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे इरशाद बी और उनके पति, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह लगभग 6 साल से वे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से परेशान थी, और हैदराबाद, बैंगलोर और अब्रॉड में कई जगह पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, और आज वे स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं।